Good afternoon. Welcome to my YouTube channel. Here we will discuss about phlebotomy techniques and how to draw a blood sample by using syringe or a butterfly. First, we have two syringes, gloves, if necessary, a sanoplast and alcoholic swab. Firstly, we can apply the tourniquet on the patient's arm. हम इसे अच्छी तरह बांधेंगे ताकि पेशेंट की वाजिया वेन हो जाए और ब्लड सैंपल लेने के लिए आसानी हो। और इसके सबसे पहले हम वेन्स को डिटेक्ट करेंगे। ये राइट साइड पे जो आ रही है ये सेफेलिक है और ये जो लेफ्ट पे आ रही है ये बेसिलिक है। और इसी के साथ दरमियान में जो मिलती है उसे कहते हैं मीडियन क्यूबाइटल वेन, और ये मीडियन एसेसरी है और ये सेफेलिक है, ठीक है। उसके बाद हमारे इसे करने के बाद हमारे पास अगर इधर से सैंपल हमने लेना है और अगर इधर से हमें मिलने में मुश्किल पैदा हो रही है, हमने वेंस को अच्छी तरह देखना है। अगर नहीं मिल रहा सैंपल तो हम इसी के छोटे से हिस्से को छोड़ के इसी से नीचे वाले हिस्से में आ जाएंगे और उधर हम वेंस को डिटेक्ट करेंगे, देखेंगे कि वेंस है या नहीं है। लेकिन इधर हमें नज़र आ रही हैं और मुझे ईजिली डिटेक्ट हो रही हैं। अगर आप चाहें तो ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी तो आप इसके बाद अच्छी तरह अपने हाथ वॉशिंग कर लें। इसके बाद हम पेशेंट के आर्म को अच्छी तरह अल्कोहलिक स्वैब के साथ साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी जरासीम बाकी ना रहे। नीचे वाले हिस्से को भी इसी तरह वॉशअप करेंगे। और उसके बाद हमारे पास सबसे पहले हमने सिरिंजेस को खोलना है, ठीक है, और वेन को डिटेक्ट करना है कि कौन से हमें वेन मिल रही है। वेन हम देखेंगे कि कौन सी इजीली मिल रही है। मुझे सेफेलिक वेन मिल रही है, लेकिन बेसिलिक भी साइड से डिटेक्ट है। ये देखिए बेसिलिक वेन है, ठीक है। और लेकिन मैं सेफेलिक से लेके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये आम ये मीडियन को बाइटल थी, लेकिन आम तौर पर पेशेंट में ये सेफेलिक ईजिली मिल जाती है। तो अगर ना मिल रही हो तो पेशेंट को हम कह भी सकते हैं कि मुट्ठी आप ज़ोर से बंद कर लें ताकि वेन ईजिली आपको मिल जाए। उसके बाद हम खोलेंगे सिरिंज को। सिरिंज को खोलने की भी टेक्निक्स होती है। ये हमने सिरिंज को खोली, ऊपर से इसका कैप अच्छी तरह टाइट किया और थोड़ा सा लोब भी से खोल लिया। इसी तरह हमने इसे खोल लेना है। खोलने के बाद हमने जो नो उसका ओपन वाला एरिया था उसे हमने रखना है अपनी तरफ। अपनी तरफ रखने के बाद हम पेशेंट की बाजू को सीधा करेंगे और जो वेन हमने डिटेक्ट की है उसकी वेन में हम सीधा करके साइड से प्रिक कर सकते हैं या फिर सीधी रख के लगा देंगे। और इसी के साथ हमें ब्लड आना शुरू हो चुका है। ये देखिए ब्लड सैंपल आना स्टार्ट हो गया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको मिस करके दिखाता हूँ, वेन अगर मिस हो जाए तो हम उसको मूव कर सकते हैं ताकि वेन मिल सके। और ये देखिए मैंने मिस किया है, उसके बाद मैं आपको वेन ढूंढ के दिखाऊंगा। हमने वेन को ऊपर से ढूंढना है और सिरिंज को उसकी तरफ पास आउट करना है, पास इन करना है। और जैसे हम करेंगे तो ये ब्लड आना स्टार्ट हो गया। उसके साथ मैंने इतने लिए पेशेंट का ब्लड ये लिया, ऊपर से खोल नहीं थे टोर्निकेट, लेकिन फिर भी ये लेने के बाद हम पेशेंट को कह देंगे आप अपनी बाजू को बैंड कर लें। उसके साथ हम वैक्यू ट्रेनर के अंदर सैंपल को प्रिजर्व कर लेंगे, जो जो टेस्ट है पेशेंट की प्रोटोकॉल्स। उसके लेने के बाद हम अपने हाथ अच्छी तरह वॉशअप कर लेंगे सैनिटाइजर के साथ और पेशेंट के सेनीप्लास्ट लगा देंगे या टेप लगा देंगे ताकि उसकी ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो सके और वो उधर निशान ना डल जाए। और हम इसे लगा दिए। उसके बाद अगर नहीं लगा तो हम देख सकते हैं, जैसे पेशेंट को लगे वैसे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बटरफ्लाई के ज़रिए सैंपल लें तो ये भी एक अलग से टेक्निक है। बटरफ्लाई को सैंपल लेने के लिए हमने वेन जो वायल्स होते हैं हमने हाथ में पकड़नी होती है, साइड पे एक साइड पे रखनी होती है, उठा के नंबरिंग वगैरह करनी होती है सबसे पहले ताकि पता चले ईजिली। उसके बाद बटरफ्लाई के पकड़ने की ये टेक्निक है और ये हम सेफेलिक में लगाएंगे। ऐसे हमने लगाई, ऊपर से पकड़ लिया, टेप लगा ली। अगर हम इसका कैप खोलना चाहें तो कैप भी खोल सकते हैं, या फिर कैप खोलेंगे तो ब्लड के ड्रॉप नीचे गिरेंगे। लेकिन अगर हम इसके अलावा ऊपर से लगे रहें तो ये भी ठीक रहेगी। जैसे ये बढ़ा, इसके बाद हम दूसरी को बढ़ेंगे, उसी तरह हम तीसरी को करेंगे। और इसी तरह हम इसे स्टोर करने के बाद फेंक देंगे। उसके अलावा ये टेक्निक आप देख सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।